गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। एज वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द पोएम सिक्स लिटिल माइस, नाउ वी विल डू द बुक एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 28। पर्सोनिफिकेशन, दिस इज अ पोएटिक डिवाइस। पर्सोनिफिकेशन क्या है? ये एक पोएटिक डिवाइस है। दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू ऑल। आज हम एक न्यू वर्ड लर्न करेंगे, पर्सोनिफिकेशन। स्टूडेंट्स, इन द पोएम सिक्स लिटिल माइस देर इज अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ कैट एंड सिक्स लिटिल माइस। जो पोएम है सिक्स लिटिल माइस, उसमें एक छोटी सी बातचीत है किनके बीच में? एक कैट और छह छोटे छोटे चूहों के बीच में। द पोएट इज सेइंग दैट सिक्स लिटिल माइस सैट डाउन टू स्पिन। पोएट कहता है सिक्स लिटिल माइस है वो बैठे किस लिए? टू स्पिन। वो नीचे बैठ के स्पिन करते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ स्पिनिंग इज टू मेक थ्रेड आउट ऑफ वूल। कॉटन या वूल से थ्रेड बनाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पिन करना। द पोएट इज सेइंग कि जो माइस हैं वो स्पिन कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग दैट हाउ माइस कैन डू थिंग्स लाइक ह्यूमंस। आप सब ये सोच के हैरान हो रहे होंगे कि जो चूहे हैं वो ह्यूमंस की तरह कैसे काम कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ माइस स्पिनिंग? क्या आपने कभी किसी चूहे को स्पिन करते हुए या धागा बनाते हुए देखा है? नो, दे कैन नॉट स्पिन, ओनली ह्यूमंस कैन डू दैट। सो हेयर द पोएट हैज यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस दैट इज पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स आर पोर्ट्रेट और डिस्क्राइब्ड इन सच अ वे दैट वी फील दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, उनको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया होता है, उन्हें इस तरह से दिखाया गया होता है कि उन्हें देख के या पढ़ के ऐसा फील होता है कि वो ह्यूमंस की तरह ही एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पोएम में हमें ये दिखाया है कि जो माइस है वो स्पिन कर रहे हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो द सिक्स माइस आर स्पिनिंग, दे आर मेकिंग थ्रेड आउट ऑफ वूल। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर spinning cotton around a spinning wheel to make thread. Can mice do such things in actual? No, they cannot do such things. It has been shown in the poem only. So the poet has used a poetic device that is personification to show that mice can work as human beings. Mice can act as human beings. ये सिर्फ पोएम में शो किया गया है, माइस को पोर्ट्रे किया गया है, दिखाया गया है या उनको डिस्क्राइब किया गया है कुछ इस तरह से कि हमें ऐसा लगे माइस जो है वो ह्यूमंस की तरह ही एक्ट कर सकते हैं, बट एक्चुअल में या रियलिटी में वो ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज हैपनिंग ओनली इन द पोएम। वी विल डू सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। Read the following sentences, underline the objects, plants or animals that are shown in a human way. ये कुछ sentence हैं, इसमें animals, objects या plants को ऐसे show किया गया होता है जैसे कि वो humans हों। For example, first one, the cake on the table was calling out to me. Table पर पड़ा हुआ cake मुझे बुला रहा था। कैन अ केक टॉक? क्या केक किसी को बुला सकता है? नो। सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड केक। सेकेंड वन इज द ट्रीज डांस्ड इन द विंड। ट्रीज हवा में झूले या ट्रीज हवा में डांस किए। कैन अ ट्री डांस? डांसिंग इज अ ह्यूमन ट्रेट। ट्रीज कैन नॉट डांस, सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड ट्रीज। थर्ड एग्जाम्पल इज द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ क्लाउड। स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ पीप्ड इज लुक्ड सीक्रेटली एट समथिंग।
किसी चीज को चुपके से देखना, उसको क्या कहते हैं? पीप्ड. कैन अ सन पीप? नो, पीपिंग इज अ ह्यूमन ट्रेट. अ सन, द सन कैनॉट पीप. सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड सन. फोर्थ वन इज द गुड न्यूज ट्रेवल्ड क्विकली. मीनिंग ऑफ गुड न्यूज इज अच्छी खबर या खुशखबरी. खुशखबरी बहुत जल्दी से ट्रेवल की. न्यूज कैनॉट ट्रेवल. ट्रेवलिंग इज अ ह्यूमन ट्रेट. सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड गुड न्यूज. द माउंटेन स्टूड टॉल एंड प्राउड. जो माउंटेन है दैट स्टूड टॉल एंड प्राउड. स्टैंडिंग टॉल एंड प्राउड इज अ ह्यूमन ट्रेट. प्राउड का मतलब है बहुत ही मान महसूस करना. तो माउंटेन इज नॉट अ ह्यूमन बींग. माउंटेन इज अ नॉन लिविंग थिंग. अ माउंटेन कैनॉट शो फीलिंग्स लाइक स्टैंडिंग टॉल और बींग प्राउड. सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड माउंटेन. नेक्स्ट वन इज द ट्रेन हूटेड हैप्पीली एज इट वेंट ऑन द ट्रैक. मीनिंग ऑफ हूटेड इज चिल्लाई. द ट्रेन हूटेड हैप्पीली. ट्रेन खुशी से चिल्लाई जैसे ही वो ट्रैक पर पहुंची. तो क्या कभी ट्रेन खुशी से चिल्ला सकती है? नो, अ ट्रेन कैन ओनली प्रोड्यूस साउंड. ट्रेन से सिर्फ जोर से आवाज आ सुन सकती है, वो खुशी से चिल्ला नहीं सकती. हूटिंग हैप्पीली इज अ ह्यूमन ट्रेट. सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड ट्रेन. सेवंथ एग्जाम्पल इज शी वॉक्ड इन द डार्क विद द मून लुकिंग ऑन. वो अंधेरे में चली और मून उसे देख रहा था. कैन अ मून लुक? लुकिंग इज अ ह्यूमन ट्रेट. अ मून कैनॉट लुक. सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड मून. एट्थ वन इज आई वॉज फीलिंग वार्म. मुझे गर्मी महसूस हो रही थी बट द फैन रिफ्यूज टू स्टार्ट. बट फैन ने चलने से इनकार कर दिया. मीनिंग ऑफ रिफ्यूज इज इनकार करना. कैन अ फैन टॉक? क्या कभी फैन बोल के इनकार कर सकता है? नो. सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड फैन. नाइन्थ इज आई लुक गुड इन पिक्चर्स बिकॉज द कैमरा लव्स मी. मैं पिक्चर्स में अच्छी लगती हूँ या लगता हूँ. क्यों? क्योंकि कैमरा मुझे पसंद करता है. कैमरा मुझे प्यार करता है. लविंग इज़ अ ह्यूमन ट्रेट. लव इज़ अ फीलिंग. एंड कैमरा इज अ नॉन लिविंग थिंग. कैन अ कैमरा फील और कैन अ कैमरा लव? नो, इट कांट. सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड कैमरा. टेंथ इज व्हेन आई केम बैक फ्रॉम माय ट्रिप. जब मैं ट्रिप से वापस आया या आई, माय गार्डन वॉज बेगिंग फॉर वाटर. मेरा गार्डन पानी की भीख मांग रहा था. कैन अ गार्डन बैग? कैन अ गार्डन टॉक? नो, गार्डन कभी बात नहीं कर सकता. वो कभी भीख नहीं मांग सकता. सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड गार्डन. स्टूडेंट्स, इन दीज सेंटेंसेस देर आर ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर बींग पोर्ट्रेट एज ह्यूमन बींग्स. इनमें कुछ एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स या प्लांट्स को इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे वो ह्यूमंस हो. दे आर रिप्रेजेंटेड एज ह्यूमन बींग्स. सो पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड हियर. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन विच ऑब्जेक्ट्स और प्लांट्स आर डिस्क्राइब्ड इन सच ए वे दैट वी फील दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. इसमें प्लांट्स को, एनिमल्स को या ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से दिखाया गया है कि देख के या पढ़ के हमें लगे कि वो ह्यूमंस की तरह ही एक्ट कर रहे हैं. बट इन एक्चुअल दे आर नॉट डूइंग दैट. स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.